तो दोस्तों, हमारे देश के अंदर अब सबसे सस्ते 5G फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये दुनिया के हर एक 5G मोबाइल के कंपैरिजन में है और सबसे एडवांस फीचर के साथ सबसे सस्ते मोबाइल होने वाले हैं, जो कि भारत में ही बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर IQ भारत के अंदर अपने कुछ एडवांस 5G मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ नए प्लांट्स को लगाने की तैयारी में है, जहां पर ज़्यादा डिटेल्स तो शेयर नहीं की गई है, लेकिन फ़ोन के कुछ स्पेशल फीचर्स को शेयर किया गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि करके फ़ोन की सारी डिटेल्स। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले बात करें हम फ़ोन के अंदर, तो आपको 19Hz का डिस्प्ले मिलेगा, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलेगा, इसी के साथ में 5000mAh की बैटरी मिलेगी। इसी के साथ में फ़ोन के अंदर 5G फीचर्स होंगे। फ़ोन में 6.58 इंचेस का डिस्प्ले लगा होगा। इसी के साथ में IPS LCD स्क्रीन के साथ ये फ़ोन बनाया जाएगा, जहां पर आपको वाटरप्रूफ की भी सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करें सबसे खास चीज़ की, जिसकी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, यहां पर आपको 8GB तक की रैम देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में 128GB तक का स्टोरेज भी देखने को मिल सकता है इस नए IQ के मोबाइल में। इसी के साथ में और ज़्यादा डिटेल्स की बात करें, तो जैसा कि आपको बताया गया कि यहां पर 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्टेबल होगी। इसी के साथ में यहाँ पर डुअल सिम जो कि 5G होंगे, वाईफाई होगा, ब्लूटूथ 5.1 होगा, GPS USB-C टाइप होगी। इसी के साथ में 3.5mm का हेडफोन स्लॉट दिया जाएगा। तो इन सभी स्पेसिफिकेशन के साथ ये फ़ोन आपको करीबन 11,999 रुपये का पड़ेगा, यानी कि ऑलमोस्ट ये 12,000 का फ़ोन है, जो इतनी सारी क्वालिटीज़ के साथ आपको मात्र इस प्राइस पॉइंट पे। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करें, तो ये कंपनी वीवो की पैरेंट कंपनी है, जो कि वीवो एक चाइनीज़ कंपनी है। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि कंपनी ये दावा कर रही है कि ये पूरा काम लोकलाइजेशन की तरह किया जाएगा और सारा काम भारत के अंदर मेक इन इंडिया मिशन के तहत किया जाएगा। और ये पहली बार नहीं है, ये कंपनी ऑलरेडी भारत के अंदर कई सारे स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर कर रही है, जहाँ पर हमारे देश के हज़ारों लोग इन कंपनियों में काम कर रहे हैं। वहीं बात करें हम कुछ कंपनियों को लेकर के, तो वो कंपनीज इंडिया में असेंबलिंग करती हैं और वो असेंबलिंग के जो पार्ट होते हैं वो चाइना से या फिर अदर कंट्रीज से इंपोर्ट किए जाते हैं, बट यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो बहुत जल्द इसके नए प्लांट पर भी काम करना शुरू कर दिया जाएगा। कंपनी लैंड के लिए रिसर्च कर रही है कि जहाँ पर इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ मिल सके, वहाँ पर ये अपने इस नए प्लांट को डेवलप करेंगी और इस नए स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग की जाए। और दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम किसी चाइनीज़ कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसका एडवर्टाइजमेंट तो खुद हमारे देश के कई बड़े सेलिब्रिटीज़ करते हैं और वीडियोस देख के आपको पता चल। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं हम आपको किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।